नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक दिलचस्प खबर पे कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ, जो राजनीति की भी है और धर्म की भी है। हिंदुस्तान में इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी खूब बिकती है, धर्म भी खूब बिकता है और राजनीति भी खूब बिकती है। ये तो इन दोनों का मेल है। मुझको उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, इस वीडियो को। ये है छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय सीट के बारे में, जहां से भाजपा की डॉक्टर सरोज पांडे कैंडिडेट हैं और वहां से कांग्रेस की डॉक्टर ज्योत्सना महंत कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा सांसद भी हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल दो उम्मीदवार जीते थे कांग्रेस के, जिनमें से एक ज्योत्सना महंत थी। दूसरे आपको याद होगा, बस्तर से जीतने वाले दीपक बैज थे, जो बाद में विधानसभा का चुनाव हार गए। उसके पहले वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे। इस बार या तो उन्होंने लड़ा नहीं या उनको टिकट नहीं मिली। जो भी है, मौजूदा सांसद में से कुल एक मैदान में थी डॉक्टर ज्योत्सना महंत। अच्छा, दिलचस्प चुनाव था, दो महिलाएं आमने सामने, ऐसा और किसी सीट पर नहीं था। तो ये चुनाव ज़्यादा दिलचस्प तब हो गया जब भाजपा को शायद ये लगा कि उसे थोड़े से और समर्थन की ज़रूरत है। कार्यकर्ता पार्टी, इनका तो समर्थन पूरा था वहाँ पे। मैं सरकार अफसरों के बारे में कहना नहीं चाहता कि उनका कोई समर्थन था नहीं था, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन पार्टी के लोगों का पूरा समर्थन हासिल था डॉक्टर सरोज पांडे को। और फिर भी पार्टी को लगा शायद कि वहाँ कुछ और होना चाहिए। खुद सरोज पांडे को लगा कि मार्जिन को बढ़ाने के लिए या जीत की गारंटी करने के लिए कुछ और किया जाए। तो आखिरी के दिनों में, मतदान के जरा पहले, वहाँ का एक जिला है कोरबा संसदीय सीट, जो है वो कई जिलों में बटी हुई है। मैं ज़्यादा ज्योग्राफी पे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ का एक ज़िला है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तीन नाम वाला ज़िला है ये, ध्यान रखिएगा, अमर अकबर एंथनी जैसा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये एक ज़िला है। इस ज़िले में एक वहाँ पर प्रवचन करवाया गया, कथा प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम, जिनको कहा जाता है बागेश्वर धाम सरकार, नाम है उनका है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, नौजवान है, हैंडसम दिखते हैं, ऐसा किसी ने मुझको कहा था। उनका वहाँ प्रवचन करवाया गया। वो छत्तीसगढ़ में पहले पिछले कुछ वर्षों में कई जगह प्रवचन कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने कई तरह के रहस्य खोले हैं लोगों के, किसी की ज़िंदगी की कोई निजी बात बता दी, किसी को कुछ किया, कई पत्रकारों को भी चमकाया है उन्होंने अपने प्रवचन में, जो कैमरों पे रिकॉर्ड भी हो रहा था। बाद में उसके वीडियो भी आए, लोग हक्का बक्का रह गए कि ये किसी पत्रकार के बारे में इतनी निजी बातें कैसे जान सकते हैं। लेकिन मैं उस पर भी नहीं जा रहा अभी। वो अलौकिक शक्ति संपन्न है, वो ऐसा कहा जाता है, अंतर्यामी है ये भी कहा जाता है, सबके मन की बात जान लेते हैं, कोई किस बीमारी को ले के आए, परेशानी को ले के आए, सुनने के पहले ही वो कागज़ पर लिख देते हैं, पर्चे पर लिख देते हैं, और जब वो सुन लेते हैं उसके बाद पर्चा दिखा देते हैं कि देख लो ये लिखा हुआ था, ये जाओ ऐसा, ये भक्ति भाव करो, पूजा पाठ करो, ठीक हो जाएगी दिक्कत, ऐसे हैं। अभी मैं आज उनका एक वीडियो देख रहा था इसी कार्यक्रम का, कोरबा संसदीय सीट के चुनाव के बीच में चिरमिरी में जो हुआ उनका आयोजन, उसमें वो कह रहे हैं कि वो माता जी जो आई हैं उधर पे बीमार, उनको ये भभूत दे दो, उनको मालूम रहता है सब। पता नहीं चुनाव हो क्यों रहा है देश में, चुनाव आयोग अगर उनकी सेवाएं ले लेता, बहुत बड़ा खर्च बच जाता। अभी डेढ़ महीने, दो महीने, ढाई महीने, 75 दिन, ढाई महीने की आचार संहिता लगी हुई है, देश थम गया है, सरकारी कामकाज थम गया है, अखबारों के इश्तहार थम गए हैं। इतना बड़ा घाटा देश का नहीं होता अगर श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से, जैसा कि ये श्री राम कथा का आयोजन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम चिरमिरी में, ऐसा ही एक आयोजन चुनाव आयोग दिल्ली में करवा लेता,
पूछ लेता, बाबा जी लिस्ट को टिक कर दो कौन कौन जीतने लायक है। मुझको लगता है बहुत सारा ये ईवीएम का, बैलेट पेपर का, ये भी विवाद नहीं आया रहता। मेरा भी वोट डालने के दिन का समय बच गया रहता, मैं गया था, 1 घंटा लग ही गया था वोट डालने में, मेरा भी समय बचे रहता। आगे के बारे में चुनाव आयोग सोच सकता है। देश आज भक्ति भाव से परिपूर्ण है, चुनाव आयोग भी सोच सकता है कि क्या अगला चुनाव करवाने के बजाय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आमंत्रित करके चुनाव आयोग में उनका प्रवचन करवा दिया जाए, वहीं पे उनको कह दिया जाए कि आप पर्चा निकाल दो कौन कौन जीतने लायक हैं। कितना खर्चा बचता लोगों का। ये ज़रूर है जिन लोगों को दारू वारू अच्छी लगती है चुनाव की, मुफ्त की दारू, उनका थोड़ा नुकसान हो गया रहता। खैर, मेरी हमदर्दी दारू पीने वालों के साथ नहीं है। मैं आता हूँ कोरबा के ऊपर वापस। कोरबा में चुनाव के मतदान के एकदम करीब जाकर ये आयोजन करवाया गया, रामकथा का आयोजन। इस आयोजन में जो मुझको जो पता लगा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, रायपुर से किसी लाल रंग के हेलीकॉप्टर में ले के वो गए थे चिरमिरी, ऐसा मुझको पता लगा है। मुझको ठीक से नहीं मालूम है, किसी ने कहा है मुझको। अब दिक्कत ये हो गई है, वहाँ पर इस आयोजन में सरोज पांडे के बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बड़े बड़े बैनर लगे थे, सरोज पांडे के पैम्पलेट बट रहे थे। आयोजन में जितने लोग पहुँचे हुए थे उनमें लोगों के गले में भाजपा का दुपट्टा डाला जा रहा था, और तो और बागेश्वर धाम सरकार ने वहाँ मंच और माइक से कैमरों के सामने घोषणा की कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, मंत्री जी का नाम लिया उन्होंने, उनको वहाँ पर बुलाया, सरोज पांडे का नाम लिया, उनको वहाँ पर बुलाया, और रायपुर के एक बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर बिल्डर हैं, कैसे हैं अब उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताता, नहीं तो कहानी लंबी हो जाएगी, उनको वहाँ पे बुलाया। ये आयोजक हैं तीन, इन तीन आयोजकों ने इनको बुलाया तो वहाँ पे बाबा जी ने सम्मान करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने जो भी शाल पहनाकर उनका बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत किया, प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, इन तीनों ने, इन तीनों के नाम की घोषणा बागेश्वर धाम सरकार ने मंच और माइक से अपने, मेरा मुंह है जिससे मैं बोल रहा हूँ, उनका बाबा जी का मुखारविंद है उससे उन्होंने इनका नाम लिया था तीनों का। पूरा आयोजन जो है भाजपा में था, सरोज पांडे का नाम का डंका मंका था चारों तरफ। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो हैं उस जिले के, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की। उन्होंने आयोजन होने के पहले शिकायत कर दी थी कि इसको रोका जाए कार्यक्रम को, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको रोका नहीं था। पहले शिकायत कर दी थी लेकिन चुनाव आयोग ने उसको रोका नहीं। हो गया आयोजन, आयोजन होने के बाद फिर शिकायत हुई। अब तो वीडियो भी सबूत थे, फोटो भी सबूत थे, और बागेश्वर धाम सरकार की आवाज़ में उनके मुखारविंद से नाम तीनों के लिए गए थे, ये आयोजक हैं, इनको बुला लो मंच पर। मैं देख रहा हूँ इस वीडियो के समय सरोज पांडे दूसरी महिला नेत्रियों के साथ बैठी हुई हैं, वो थोड़ा सा हड़बड़ा रही हैं, शायद रेणुका सिंह से बात कर रही थी वो कि इन्होंने नाम ले लिया है, ऐसा तो नहीं है कि खर्च में जुड़ जाए, ऐसा मेरा अंदाज है। मैं तो हूँ नहीं कोई धाम का सरकार कि मुझको दूर बैठे लोगों के मन की बात पता लग जाए, मैं तो वीडियो देख के भी नहीं बतला पा रहा हूँ। तो जिस तरह से वो हड़बड़ाई लेकिन मंच पे गई, जब लोगों के बीच में इतना आयोजन हुआ है, अपनी तस्वीर के होर्डिंग लगे हुए हैं जगह जगह, पर्चे बट रहे हैं, झंडे भाजपा के हैं, उसकी भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, बीच बीच में हम आपको दिखाएंगे। मैं हमारे वीडियो एडिटर से कहूँगा कि वहाँ की बिल्कुल पुख्ता तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, इनको दिखाते चलें, आपको थोड़ा धार्मिक माहौल रहे, राजनीतिक तो है ही। तो हुआ ये कि वहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे चिरमिरी के, उन्होंने मान लिया कि ये धार्मिक आयोजन जो है ये प्रचार है, उन्होंने इसका खर्च जोड़ दिया,
उन्होंने इसका खर्च, इस आयोजन का खर्च जोड़ दिया। सरोज पांडे का खर्च एकदम से बढ़ गया है। मुझको जो पता लगा है वो ये है कि कुछ 52 लाख या कुछ सरोज पांडे की तरफ से खर्च घोषित किया गया था। इस आयोजन का खर्च जो है जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बनाया था, अंदाज कितना खर्च हुआ होगा, जो भी सरकारी रेट है, इतनी कुर्सी, इतना पंडाल, इतना माइक, इतना होर्डिंग, जो भी बनाया होगा, 17 लाख रुपए उन्होंने खर्च जोड़ा है। शायद शायद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को 50,000 रुपये दिया गया है, उसमें उतने ही दान दक्षिणा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं ऐसा दिखाया गया है उसमें। असली मुझको नहीं मालूम है, मैंने कभी उनको रूबरू देखा नहीं है, बंद कमरे में क्या होता है मुझको पता नहीं है। तो ये 17 लाख रुपए खर्च जो है ये सरोज पांडे के चुनाव खर्च में जुड़ गया। मुझको जो पता लगा है वो ये है कि लोकसभा में किसी प्रत्याशी का खर्च जो है 95 लाख रुपए की सीमा है, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम है, 95 लाख खर्च करने की सीमा है। इस आयोजन के खर्च के साथ और जितना सरोज पांडे ने घोषित किया है चुनाव आयोग में, उसके साथ मिलाकर अभी तक 81 लाख पहुंच चुका है। 81 लाख, 95, अभी 14 लाख रुपए बाकी है। अगर मान लीजिए इस आयोजन का खर्च, किसी और तरह का खर्च 14 लाख रुपए जुड़ जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा जुड़ जाएगा, तो 95 लाख की सीमा पार हो जाएगी। ये सोचा नहीं रहा होगा शायद सरोज पांडे ने कि 17 लाख रुपए उनके खर्च में जुड़ जाएगा। अब देखना ये है, एक दिलचस्प पेंच है यहाँ पर। ये राज्य की सरकार का, जिला का एक अधिकारी जो है, ये उसका अंदाज है 17 लाख रुपए, उसने हिसाब बनाकर दिया है, हमारे हिसाब से 17 लाख का खर्च हुआ है, ये 17 लाख हम प्रत्याशी के खर्च में जोड़ दे रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 81 लाख रुपए हो चुका है सरोज पांडे का खर्च वहाँ पे, कागजों पे। असली कितना हुआ है इसको तो वही जाने, मैं क्या जान सकता हूँ। अब सवाल ये है कि जिला प्रशासन के अधिकारी का निकाला हुआ आंकड़ा जो है, इसके ऊपर भारत सरकार के एक अधिकारी को चुनाव आयोग ने वहाँ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, व्यय पर्यवेक्षक, खर्च पर्यवेक्षक बना के भेजा हुआ था, वो भी मौजूद थे। उनका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, अभी केवल जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो चुनाव कार्य देख रहे थे, उनका आया है आयोजन का कुल खर्च 17 लाख रुपए। अभी जो व्यय पर्यवेक्षक हैं उनका आंकड़ा सामने नहीं आया है, वही असली आंकड़ा रहेगा, जिले का आंकड़ा काम नहीं आएगा, उन्हीं का आंकड़ा काम आएगा। उनका आंकड़ा कितना पहुंचता है इस आयोजन का मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये भी कहना नहीं चाहता कि वहाँ पे कितना खर्च हुआ है आयोजन में, लेकिन लोग बतलाते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक एक कार्यक्रम जहाँ होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हो सकता है यहाँ सरोज पांडे ने बड़ा किफ़ायत में करवा लिया हो उसको, देखना है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर क्या हिसाब निकालते हैं वहाँ का। अभी उनका आंकड़ा आने के बाद में, उनका सर्टिफिकेट आने के बाद में जोड़ा जाएगा और तब तय होगा कि 95 लाख की सीमा के भीतर खर्च हुआ है कि उससे ज़्यादा हुआ है। अगर उससे ज़्यादा खर्च हुआ है तो मुझको नहीं मालूम क्या होता है, आपका अंदाज ज़्यादा होगा, सीमा से अधिक खर्च करने पे क्या होता है मुझको नहीं मालूम है, मैं अपनी अटकल लगाना भी नहीं चाहता हूँ। सरोज पांडे जी से मेरा अच्छा परिचय है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, दोनों कैंडिडेट से मेरा अच्छा परिचय है, दोनों के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं कि जो बेहतर कैंडिडेट हो उस संसदीय सीट के लिए उसकी जीत होनी चाहिए, या देश में जो बेहतर सरकार बना सकते हैं उस निशान की जीत होनी चाहिए। मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं है, मैं वहाँ वोटर भी नहीं हूँ। अब देखना है कि कुछ दिनों के भीतर व्यय पर्यवेक्षक, खर्च पर्यवेक्षक कितना खर्च वहाँ का अंदाज लगा के बताते हैं। किसी ने मुझको ये कहा है कि जिस हेलीकॉप्टर में रायपुर से उनको ले कर चिरमिरी तक गए थे डिप्टी सी एम विजय शर्मा,
वो हेलीकॉप्टर भी किराए पे लिया हुआ निजी हेलीकॉप्टर है। कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेके गए थे और वहाँ पर ये खर्च जो है या तो पार्टी के खर्च में जुड़ेगा या उम्मीदवार के खर्च में जुड़ेगा। मुझको किसी ने ये भी कहा है कि अगर पार्टी ने विजय शर्मा जी को स्टार प्रचारक घोषित किया होगा तो उनके ऊपर का खर्च जो है पार्टी के खर्च में जुड़ जाएगा, तो हेलीकॉप्टर का खर्च कोरबा के खर्च में नहीं जुड़ेगा। देखना है क्या होता है। विजय शर्मा जी अकेले नहीं गए थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी उनके साथ गए थे वहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार। अब मैं एक दूसरी चीज़ सोचता हूँ, एक महज अफसर ही तो है, कोई ऑल इंडिया सर्विस का कोई अफसर होगा जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होगा। एक अफसर की क्या बिसात है बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने उनकी क्या क्षमता है, क्या बिसात है उनकी। मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन पिटीशन वगैरह भी अगर बनेगा इसके ऊपर, या खर्च ज़्यादा मानकर कोई जीत हार तय होगी, तो भी जीतेंगी वहाँ से सरोज पांडे, ऐसा मेरा मानना है। उसकी वजह समझ लीजिए आप। मैं केवल अकेली यही एक सीट है जिसके ऊपर मैं जीत की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है, ऊपर वाले का हाथ किसी के भी सिर पे रहे, उसकी जीत हार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हाथ है जिसके ऊपर रहेगा, मेरा मानना है कि उसकी जीत तय है। उन्होंने हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, हो गई जीत। कायदे से तो चुनाव उनाव वहाँ कोरबा में करवाना भी नहीं था। चुनाव के बीच में वो कहीं प्रचार करने जाते नहीं हैं या ऐसा कुछ चर्चा मैंने सुना था, लेकिन आए हैं यहाँ तो कैसे आए हैं। रायपुर का बिल्डर कॉलोनाइजर भी है और लोग भी हैं, बीजेपी के लोग, सरोज पांडे भी हैं उम्मीदवार, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, मुझको नहीं मालूम। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पर चाहे ऊपर वाले का आशीर्वाद ज्योत्सना महंत के साथ क्यों ना हो, जीतेंगी वहाँ पे सरोज पांडे, क्योंकि उनके सिर पर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनका हाथ है। ऊपर वाले का तो कहा हुआ कहीं होता है कहीं नहीं होता है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, अमिताभ बच्चन मंदिर में जाके बहस करते हैं भगवान से, ये औरत पूरी ज़िंदगी तुम्हारे चौखट पे अपना माथा रगड़ते रही, उसके बाद तुमने इसकी बात पूरी नहीं की, अपने माँ को लेके कहते हैं अमिताभ बच्चन, फिल्मी माँ को लेके। तो ईश्वर का कहा हुआ हो कि ना हो मुझको नहीं मालूम, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहा हुआ जरूर पूरा होता है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं तो नहीं जानता, लोगों का कहना है, इसीलिए उनकी इतनी मान्यता है। नौजवान है, अभी कम उम्र के हैं, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन मान्यता बहुत है, हर उम्र के लोग पैर छूते हैं उनके, बड़ी मान्यता है। मेरा ये मानना है कि उनको इस बात का त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों काल का सोच लेते हैं, आगे का पीछे का, इसीलिए भक्तों को बतला देते हैं। सर्वज्ञानी है वो, सब चीज़ों का ज्ञान रहता है, उनको पता होगा कि ये महंत की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज होगी, उनको मालूम होगा, उन्होंने पर्चा लिख के रखा होगा, मुझको पक्का मालूम है कि ऐसा चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की जाएगी, उसके बावजूद जो खर्च जोड़ा जाएगा बड़ा छोटा सा रहेगा, उससे सरोज पांडे की जीत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने बाबा जी ने लिख के रखा होगा पर्चे में। नौजवान हैं इसलिए आप उनको किसी नाम वगैरह से मत बुलाइए, बाबा जी बोलना ठीक है, उनके कुछ भक्त मेरे मित्र हैं, वो लोग बाबा जी बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कोरबा संसदीय सीट में सरोज पांडे की जीत तय है, दो वजहों से। एक तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनके ऊपर हाथ रखा है, अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए जीत तय है। दूसरा, ये सब बोगस है, जो चुनाव आयोग को शिकायत वगैरह जो की गई है खर्च की, बागेश्वर धाम सरकार को क्या मालूम नहीं है कि चुनाव आयोग में शिकायत होगी, वो तो पर्चे में सबका लिख देते हैं, तो उनको मालूम होगा कि ये जुड़ जाएगा खर्च में, फिर भी उन्होंने उसको 17 लाख तक सीमित कर दिया होगा कि अफसर उससे ऊपर ना दे।
खर्च सीमा से अधिक न हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं लोगों की आस्था देखता हूँ, लाखों लोगों की आस्था देखता हूँ, उनकी आस्था का मेरे मन में बड़ा सम्मान है। तो ये मान लीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार को ये सब अंदाज रहा होगा, उन्होंने पर्चे पे लिख भी दिया होगा, आयोजन का खर्च 17 लाख, लिख के दे दिया होगा किसी को, ऐसा मेरा मानना है। 4 जून को जब मतगणना होगी तो क्या निकलता है वहाँ का नतीजा? फिलहाल मुझको लगता है सरोज पांडे को राहत की सांस लेनी चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने जिस तरह से उनका वहाँ पर प्रचार किया है, उनको राहत की सांस लेनी चाहिए। इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं हो सकता। ज्योत्सना महंत जरूर कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद गई होंगी, लेकिन मैंने ऊपर वाले का चमत्कार देखा नहीं है। मैंने बागेश्वर धाम सरकार का चमत्कार वीडियो पे देखा है। कई लोगों को धमका देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, तुम्हारे होटल के कमरे का नंबर बतलाऊं क्या, लोग सहम जाते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है उसके बाद, इतना उनका असर मैंने देखा हुआ है। देखते हैं कोरबा संसदीय सीट पे क्या होता है। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो भी लिख के दे दे, वो लिख के दे दे 1 करोड़ खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, हेलीकॉप्टर जोड़ ले, किसी को जोड़ ले। मेरा मानना है बागेश्वर धाम सरकार की मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से सारा खर्च जो है सीमा के भीतर का रहेगा, क्योंकि बाबा जी को सब मालूम है, उनको मालूम है कांग्रेस शिकायत करेगी, खर्च यहाँ का देना पड़ेगा। उन्होंने 17 के भीतर ही रखा होगा, कोई वहाँ 95 पार नहीं करेगा। ये जीत जो है लोकतंत्र की नहीं, कोरबा की जनता की नहीं, ये बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार की जीत रहेगी। हम और आप दोनों 4 तारीख का इंतज़ार करें। ये तो ईवीएम से वोटों की गिनती तो महज एक औपचारिकता है, फैसला तो कोरबा संसदीय सीट का उसी दिन हो गया जिस दिन बागेश्वर धाम सरकार ने वहाँ आशीर्वाद दे दिया सरोज पांडे को। चुनाव आयोग को अगले आम चुनाव के पहले ये विचार करना चाहिए कि ईवीएम भरोसा नहीं है लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, बैलेट पेपर पे बीजेपी के लोगों का भरोसा नहीं है, बीच का रास्ता बागेश्वर धाम सरकार है, लिस्ट लेके चले जाएं, मुख्य चुनाव आयुक्त 2-3 और अगर रहेंगे उनके साथ तो उनको लेके टिक लगवा लें, कौन कौन सी सीट किसको देनी है। जनता का बहुत सारा पैसा बचेगा, शायद दसियों हजार करोड़ रुपए का खर्च बचेगा, सोच के देखिएगा इसको। तब तक आप अटकल लगाना बंद कर दीजिए कोरबा के बारे में, कोरबा का रिजल्ट निकला हुआ है। अगर आपको हमारे ये YouTube वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिए। चमत्कार सबको अच्छा लगता है, राजनीति सबको अच्छी लगती है, धर्म सबको अच्छा लगता है, इसमें तीनों चीज़ें हैं। ये बड़ा कामयाब नुस्खा है आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, इसको दोस्तों को भी भेजिएगा, वो लोग भी खुश होंगे इसको देखने के बाद। चलते चलते एक छोटी सी सलाह ये है कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते हैं, हो सकता है कि बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से आप कैंसर वगैरह से बच जाएं। मैं उनको चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन जिनको आशीर्वाद उनका नहीं मिलेगा उनके ऊपर कैंसर का हमला हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इन चीज़ों का शौक अगर रखते हैं तो कैंसर के इलाज के खर्च का भी इंतजाम कर लीजिएगा, घर वाले आपके बिना कैसे रहेंगे उसका भी इंतजाम कर लीजिएगा, उसके बाद शौक करिएगा तंबाकू का। फिर मिलते हैं।